वेलकम बैक ट्रेडर्स। सो बेल्ट होल्ड पैटर्न हमने जैसे देखा, ओपनिंग हुई, शेयर जिस प्राइस पे ओपन हुआ उससे नीचे एक बार भी नहीं गया, शेयर सिर्फ ऊपर गया, टॉप पे गया एंड वहां से थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा रिट्रेस करा। सो इससे आपको क्या पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पैटर्न इज दैट? बुलिश पैटर्न। जो बेयर्स हैं वो एक्सट्रीमली वीक हैं यहाँ पे, कि वो जिस प्राइस पे खुला उससे नीचे एक बार भी नहीं ले जा पाए। सो दिस इज अ बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न। नाउ वन मोर पैटर्न। नाउ दिस इज अ बेरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न। जिस प्राइस पे शेयर मॉर्निंग में खुला वो प्राइस एक भी बार ब्रेक नहीं हुई ऑन द अपसाइड, शेयर पूरे दिन उससे नीचे ही ट्रेड करता रहा। एंड ऐसा भी नहीं कि मार्जिनली थोड़ा बहुत नीचे गया हो, इट इज अ गुड लॉन्ग रेड कैंडल। इट रिप्रेजेंट्स के बेयर्स यहाँ पे एक्सट्रीमली स्ट्रांग हैं एंड दे आर इन द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। ओके, सो लेट अस सी कि इनकी अकरेंस कहाँ पे आती है एंड हाउ इज इट बेनिफिशियल। बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न। सी, जैसे अगर कोई डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न आता है। तो हम यहां पे चल रहे हैं, एक डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है। कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड के बाद जो यहां पे प्राइस खुली वो इस लेवल पे खुली, इसका मतलब जो पिछला क्लोजिंग था यहां पे उससे काफी नीचे खुली। इसका मतलब बेयर्स ने बहुत नीचे प्राइस खोली, बट ड्यूरिंग द डे बुल्स इतने स्ट्रांग थे कि वो ऊपर ही ले जाते गए प्राइस को। एज यू कैन सी कि जिस प्राइस पे खुली बेयर्स उससे नीचे एक बार भी शेयर को नहीं ले जा पाए एंड शेयर केवल एक अपसाइड मूव दी एंड एक बहुत ही लॉन्ग कैंडल बनाई। सो इससे डेफिनेटली पता चलता है कि जो बुल्स हैं इस पर्टिकुलर डे पे, बुल्स आर वेरी स्ट्रांग। नाउ वन मोर थिंग, बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न तब ज्यादा स्ट्रांग होगा अगर गैप डाउन होगा। जैसे अगर शेयर यहाँ पे 100 रुपीज का था तो प्रॉबेबली यहाँ पे 97 रुपीज का शेयर खुला होगा। देर वॉज अ गैप डाउन विच हैज इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस पैटर्न। अब जैसे हम पहले देखे तो ये भी एक बेल्ट होल्ड पैटर्न है, बट ये ऑन द सेम लाइंस ओपन हुआ तो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, एज अ रिजल्ट शेयर नीचे गिर गया। तो ये ऑन द सेम प्राइस लेवल ओपन हुआ तो एज अ रिजल्ट सस्टेन नहीं हो पाया एंड शेयर प्राइस नीचे गिर गया। बट हेयर इट वॉज क्लियरली विजिबल कि मॉर्निंग में जब प्राइस खुला उस टाइम बेयर स्ट्रांग थे, लेकिन केवल उन्हीं कुछ मिनट्स के लिए बेयर स्ट्रांग थे, उसके बाद बुल्स ने प्राइस बहुत ऊपर ले गए एंड एज एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऊपर गया। इट इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। क्लियरली बेयर्स आर गेटिंग डिफीटेड ओवर हियर। नाउ सिमिलर इज अ केस ऑफ बेयरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न। शेयर प्राइस यहां ऊपर जा रहा था, उसके बाद बेयरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न, शेयर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहां पे बंद हुआ लास्ट डे, उसके बाद काफी ऊपर शेयर खुला। इसका मतलब सुबह बुल्स स्ट्रांग लग रहे थे कुछ मिनटों के लिए, लेकिन बेयर्स ने कंट्रोल लिया एंड उन्होंने शेयर प्राइस मेजरली ड्रैग करा नीचे की तरफ। सो एज एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस नीचे गया। ओके,
ना जैसे अगर आप इस कैंडल को देखिए, आप कई लोगों की क्वेरी ये भी हो सकती है कि ये भी तो बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न है। तो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न में नीचे शेडो नहीं होती, जो ओपन होता है वही लो होता है, करेक्ट। अगर ये जो शेडो है ये ऊपर की तरफ होती तो डेफिनेटली ये बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न होता, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ज्यादा नहीं है। एज यू कैन सी ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल, करेक्ट। सो हेयर द बुल्स आर क्लियरली गेटिंग डिफीटेड। जो बेयर्स हैं उन्होंने टोटल कंट्रोल लिया हुआ है ऑफ द सिचुएशन एंड वो शेयर प्राइस को नीचे ले जा रहे हैं। ओपन लो इज अ मैंडेटरी, बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न में ओपन इज इक्वल टू लो होना चाहिए। इट रिप्रेजेंट्स अ बुलिश रिवर्सल एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। जितनी लंबी कैंडल होगी उतना ही स्ट्रांग पैटर्न होगा। एंड अगर नेक्स्ट जो कैंडल है वो भी आपके फेवर में आती है तो हम डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हैं। नाउ बेयरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें ओपन हाई होता है, दिस शोज अ बेयरिश रिवर्सल। सिमिलरली जितनी लॉन्ग कैंडल होगी उतना ही पैटर्न स्ट्रॉन्गर होगा। एंड इसमें भी अगर रेड कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी रेड कैंडल होती है एंड हमारा सपोर्टिव कैंडल होती है, डोजी या स्पिनिंग टॉप नहीं होती, हमारी सपोर्टिंग कैंडल होती है, तो डेफिनेटली वी कैन टेक अ ट्रेड। ओके सो गाइज, ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ओके, थैंक यू।